अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. कैसे हैं आप सब? आई एक्सपेक्ट एकदम बढ़िया होंगे. हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टडीज, राइट? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. मैंने आपको बताया था कि कैसे बोर्ड ने आपके इस चैप्टर को आपके लिए कम कर दिया है, इसके टॉपिक्स को कम कर दिया है. तो ये सारा पोर्शन हमने कल की क्लास में कम्प्लीट किया था. आज की क्लास का टारगेट है वो सारे वन मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करना जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमें पूछे जा सकते हैं, और इस चैप्टर को यही लॉक कर देना है हमें, आज ही कंप्लीट करके डन करके छोड़ देना. सबसे पहले जो आपको लर्न करना है रिलेटेड विद दिस चैप्टर वो है ये मीनिंग ऑफ ई बिजनेस. यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए. मीनिंग ऑफ ई बिजनेस आपको लर्न करना है. मीनिंग ऑफ ई बिजनेस में से टू क्वेश्चन आपके बनेंगे. नंबर वन, e-business activities are carried on through or by. तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंटरनेट. फिलअप में भी पूछ सकते हैं और MCQ में भी पूछ सकते हैं. इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what does e stands for? In case of e-business ये e क्या है? कौन बता रहा है e क्या है? इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, है ना? तो e stands for इलेक्ट्रॉनिक. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट बात करते हैं हम बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या आता है. तो ये चैप्टर वन से रिलेटेड है. बिजनेस में इंडस्ट्री और कॉमर्स दो चीजें आती है. कॉमर्स का ही पार्ट ट्रेड है, तो यहाँ पे लिख दिया है इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड. तो ई कॉमर्स का मीनिंग हो गया ये सारी एक्टिविटीज कौन कौन सी, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड वाली एक्टिविटीज को इंटरनेट के थ्रू करना, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू करना. अब आगे देखिए नेक्स्ट स्कोप ऑफ ई बिजनेस. अब यहां से एक वन मार्क क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ई बिजनेस इंक्लूड्स. इंक्लूड्स की कोई लिमिट ही नहीं है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, कुछ भी, एडवर्टाइजिंग भी, ठीक है? तो कुछ भी ऑप्शन देंगे, मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव. ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे जैसे प्लानिंग रिगार्डिंग प्रोडक्शन, इसके अलावा आपको पूछ ले मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, इसके अलावा आपको पूछ ले एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट, और फिर ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ द अबव. तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव. ई बिजनेस में बहुत सारी चीजें आती है. तो चलिए सभी बच्चे तीन क्वेश्चंस लर्न कर लीजिए. नंबर वन, ई बिजनेस. ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज बाय यूजिंग इंटरनेट. कीवर्ड है इंटरनेट. फिर ई का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक. क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रॉनिक. उसके बाद में ई बिजनेस में क्या क्या आता है? बहुत सारी चीजें आती है. बिजनेस से रिलेटेड कोई भी टर्म है उसको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं. अब नंबर वन, सबसे पहले कौन से ट्रांजेक्शन है? B2B. B2B means business to business. Business से business firms के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन आएंगे B2B में. वो सारे ट्रांजेक्शन आएंगे B2B यानी business से business organization के बीच में. अब थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड रहेगा ये फाइव नेम्स लर्न करना. नंबर वन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज. अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रॉ मटेरियल में कोई यूटिलिटी क्रिएट कर रही है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ B2B कॉमर्स. लर्न कर रहे हैं हम कि B2B में क्या आता है. आपको MCQ में पूछ सकते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्ड इन, और फिर आपको चार ऑप्शंस दे देंगे, B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, C2C या फिर इंट्रा बी. यू मस्ट नो कि ये B2B का पार्ट है. नंबर टू, कोलैबोरेशन. मर्जर करना, किसी दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज होना, कोलैबोरेट करना, ये भी B2B का पार्ट है. कमर्शियल नेगोशिएशन यानी बिजनेस में जो मोल भाव करते हैं, जो बार्गेनिंग करते हैं, ये भी B2B कॉमर्स का पार्ट है. इनवाइटिंग टेंडर्स, टेंडर्स इनवाइट करते हैं ना काम करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ B2B. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स. चलिए भाई जल्दी से लर्न करते हैं B2B के अंदर क्या क्या आएगा. आप सभी म्यूटेड हैं, जैसे बचपन में हम ABCD बोल बोल के याद करते थे ना, पोएम्स बोल बोल के याद करते थे, वैसे ही लर्न करना है. B2B, ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस. क्या क्या आता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, कोलैबोरेशंस, कमर्शियल नेगोशिएशन. तीन तो सी वाले ही टर्म्स है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, कोलैबोरेशंस, कमर्शियल नेगोशिएशन. इसके बाद में आता है इनवाइटिंग टेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर. ये फाइव चीजें आती है B2B के अंदर. एनीवन, एनी कंफ्यूजन? जल्दी से इसको लर्न कर लीजिए बेटा सभी बच्चे. बी क्विक, लर्न इट आउट. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, कोलैबोरेशंस, कमर्शियल नेगोशिएशंस,
इनवाइटिंग टेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. सेकेंड आता है आपका B2C, बिजनेस से कॉमर्स के बीच में, सॉरी बिजनेस से कस्टमर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो B2C ट्रांजेक्शन है. B2C की वजह से C2B भी बनता है, कस्टमर टू बिजनेस. अब इसका कीवर्ड आपको याद रखना है, इट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू रिमेन इन टच विद कस्टमर्स ऑन राउंड द क्लॉक बेसिस. अगर आपको पूछ ले विच ब्रांच ऑफ ई कॉमर्स हेल्प द बिजनेसमैन टू बी इन टच विद इट्स कस्टमर्स, तो आपका आंसर होगा B2C. B2C से ही तो बिजनेसमैन कस्टमर से जुड़ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है आपको. और अगर आपको पूछ ले कस्टमर टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन कैसे करवा सकता है, तो उसका आंसर होगा C2B ट्रांजेक्शन से. क्या आंसर होगा? C2B. आप देखिए आपके लिए कितना इजी हो गया, MCQ से तो आएंगे, आराम से काम बन जाएगा. नेक्स्ट देखिए, बिजनेसमैन प्रमोशन किसके थ्रू कर सकता है अपने प्रोडक्ट, तो वो प्रमोशन भी कर सकता है B2C से. जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया और ग्रुप पे सारी फोटोज सेंड करता रहा, तो ये बिजनेसमैन क्या कर रहा है, अपनी गुड्स को प्रमोट कर रहा है बाय यूजिंग द B2C सेगमेंट ऑफ ई कॉमर्स, राइट. अब इसमें क्या क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटी एंड लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर, जिसमें ये सी और डी तो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं. क्या क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ B2C ट्रांजेक्शंस. और ये फोर्थ वाला हो गया C2B का. ये जो D दिया हुआ है ना, लॉजिंग कंप्लेंट बाय कस्टमर, ये है C2B का. चलिए बताइए क्या आप सबको यहां तक लर्न हो गया है. Show me a thumbs up if it's a yes. B2B में क्या क्या आया था, B2B में आया था, जल्दी से कौन बता रहा है, B2B के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आए थे. यस लक्ष्य, वेरी गुड. हाँ सभी बच्चे बताए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कोलैबोरेशन, बिल्कुल, और कमर्शियल नेगोशिएशन, गुड्स, बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इनवाइटिंग टेंडर्स, वेरी गुड, सभी को लर्न हो गया है. फिर B2C के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रमोशन एंड मार्केटिंग. और ये डी वाला अलग ही है, ये C2B का पार्ट है. चलिए भाई C2C का की वर्ड है सेकेंड हैंड गुड्स या फिर यूज्ड गुड्स. अगर आपको कभी भी पूछ ले यूज्ड गुड्स सेल करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो OLX पे बेच दे, याद रख लेना, है ना, OLX पे बेच दो. तो OLX पे कस्टमर भी, जो सेलर है वो भी कस्टमर है और जो बायर है वो भी कस्टमर है. तो जब सेलर और बायर दोनों कस्टमर हो, यानी जब दो कस्टमर्स आपस में कोई ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, तो ये क्या है, ये C2C ट्रांजेक्शन है. जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो भी कस्टमर ही है. यहाँ पे ये देखिए, ये रहा थर्ड लाइन में, यू हैव टू हाईलाइट इट, इट प्रोवाइड सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स और सर्विसेज. जब क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा, यूज्ड गुड्स किस में सेल करते हैं, तो यूज्ड गुड्स की सेलिंग होती है C2C कॉमर्स में. चलिए आगे क्या पूछ रहे हैं, इन C2C वेरियस कंज्यूमर फोरम्स आर ऑल्सो फॉर्म. ये बेटा मैं आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देती हूँ ना, उसमें स्टेटमेंट आ सकती है, उसमें मैं आपसे ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट लिख के दे सकती हूँ, आपको याद रखना है. माइक्स जिसके अनम्यूट है बेटा म्यूट कर लीजिए, सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर लीजिए, सभी बच्चे. चलिए भैया आगे देखिए, तो ये हमने पढ़ा C2C के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर फॉरम्स बनते हैं, और ये भी सारे बातें ध्यान रखनी है. C2C ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी एग्रीव्ड कस्टमर या चीटेड कस्टमर, एग्रीव वर्ड यूज हुआ है चीटेड के लिए, तो कोई भी चीटेड कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को वार्निंग दे सकता है कि भैया ये वाला सामान परचेज मत करना. जैसे आप करते हो ना, अगर किसी टीचर ने डांट दिया, आपने कुछ गलती की थी, तो आप बोल दोगे इन मैडम के सामने तो ऐसा करना ही मत, बहुत डांट पड़ेगी, राइट. तो C2C के अंदर कस्टमर टू कस्टमर आपस में अगर कोई भी डीलिंग कर रहे हैं वो आएगी. क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है. सेलिंग यूज्ड बुक्स एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा, यूज्ड कुछ भी है, एंड
एंटीक आइटम्स है, यूनिक आइटम्स है, उनको सेल कर रहे हो तो भी इसी के अंदर आएगा। इसके बाद में बात करते हैं वार्निंग कस्टमर्स अबाउट फ्रेडुलेंट सप्लायर। जो भी सप्लायर आपके साथ चीटिंग कर रहा है उससे रिलेटेड दूसरे कस्टमर्स को वार्निंग देना। अब वो वार्निंग आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, चाहे रिव्यू रेटिंग में दीजिए, जहां आपकी इच्छा है वहां दे दीजिए। ठीक है, पार्ट किसका बन जाएगा? C2C का। और इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी की भी पॉजिटिव रिव्यूज भी तो देते हैं, तो वो पॉजिटिव रिव्यूज भी यहीं पे आ जाएगा। चलिए बताइए यहां तक, एनीवन, एनी डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई भी पार्ट ऐसा हो, कोई सी में? यस बताइए मैम, C2C में चीटिंग हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है बेटा, OLX पे भी होती है चीटिंग, तो कहीं भी हो सकती है, करने वाला चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा कीर्ति, अनम्यूट एंड स्पीक। मैम इसमें समझ नहीं आया, मतलब चीटिंग कैसे हो सकती है, आप एक एग्जांपल देना। देखिए बेटा, मैंने अपना फोन OLX पे अपलोड किया, मैंने फोन के अंदर सारी पॉजिटिव चीजें बताई। अब किसी एक पर्सन ने उसकी पिक्चर देखी, उसकी पॉजिटिव चीजें देख ली, मैंने इमीडिएटली उससे पेमेंट ले लिया और वो फोन लेके चला गया। अब मैंने बताया ही नहीं कि मेरे फोन में इंटरनल स्टोरेज में क्या क्या प्रॉब्लम है, और सामने वाला भोला भाला इंसान था, उसने मेरा फोन परचेज करके ले लिया। अब मैं OLX से अपनी ID और सारी चीजें हटा दूं तो वापस वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। इंडिविजुअल शॉप से आपने परचेज किया है तो आप रिटर्न कर पाओगे, लेकिन अगर मैंने किसी फेक नंबर से OLX पे ID बनाई, प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड नंबर से नहीं बना के, और मैंने डीलिंग कर ली, तो ऐसे में आप सामने वाले डीलर को ढूंढ नहीं पाओगे दोबारा। ठीक है, ओके मैम। एक बार प्रैक्टिकली मेरे रिलेटिव के साथ ऐसा हो रखा है। आई गेस 97,000 का फ्रॉड हो गया था, 97,000 का। आईफोन 11 की बात थी शायद, और मार्केट रेट मेरे हिसाब से 1,10,000 चल रही थी, और वहां पे 97 में 2 डेज का यूज मोबाइल मिल रहा था। अब चीटिंग उसी के साथ होती है जो थोड़ा सा बेवकूफी दिखा जाता है ना, या जो ज्यादा भोले लोग होते हैं। हम तो बहुत होशियार हैं, हमारे साथ चीटिंग नहीं हो सकती। चलिए, तो होशियार और अलर्ट रहना भी जरूरी है। अब वहां पे क्या हुआ, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, सामने वाले ने कहा भाई प्रॉपर किसी आर्मी ऑफिसर की आईडी उन्होंने यूज की, उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स जो है वो किसी आर्मी ऑफिसर की डिटेल्स सेंड की थी। फेक था वो, बट पता नहीं चल रहा था फेक है। आधार कार्ड, पिक्चर, ये सारी चीजें सेंड कर दी, और उन्होंने उसी आर्मी ऑफिसर के नाम का गूगल पे बना के उस पर 15,000 रुपीज एडवांस ले लिए। अब 15,000 एडवांस ले लिए, पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, 15,000 का पेमेंट, और वेट कर रहे हैं कि चलो फोन डिलीवर होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। 4 दिन निकल गए, फोन भी डिलीवर नहीं हुआ और वापस वो नंबर भी नहीं मिला। और फिर जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि उस आर्मी ऑफिसर की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है पिछले 3 साल पहले। तो ऐसी भी चीजें होती है, ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए हमें बच के रहना है सभी फ्रॉड से। यस, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंट्रा बी कॉमर्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी अगर आएगी तो इंट्रा बी में से आ सकती है। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब आपकी लास्ट टू लास्ट क्लास हो रही थी तो ऊपर लाइट चली गई थी। जैसे ही लाइट गई, हम सभी टीचर्स को इमीडिएटली विनीत सर ने मैसेज फॉरवर्ड किया दैट यू विल हैव टू रिज्यूम योर क्लास एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास। और आप लोगों के पास भी शायद मैसेज आ गया था। तो आप और मैं इस एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, हमने अगर इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्ट कर लिया, इंटरनेट की हेल्प से इंटरेक्ट कर लिया डायरेक्टली, तो ये इंटरेक्शन बनेगा इंट्रा बी कॉमर्स का पार्ट। एक ही फर्म के, एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग यूनिट्स जब आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है तो ये इंट्रा बी कॉमर्स का पार्ट होता है। आप सबको पता होगा लयाल पब्लिक स्कूल 2 ब्रांचेस चल रही है, एक चल रही है LPPS और एक चल रही है LPS, है ना, JNV और घरसी सर। अब JNV वाली ब्रांच के पेपर और घरसी सर वाले पेपर सपोज एक साथ बनते हैं प्राइमरी स्कूल्स के, तो वहां से अगर यहाँ कोई भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा है, तो वो पार्ट है इंट्रा बी कॉमर्स का। समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को? अब ये आपको याद रखना है
assertion and reason में पूछ सकते हैं. The transactions taking place between parties or persons of one firm are known as intra-bank, are a part of intra-bank commerce. फिर reason में लिख के देख सकते हैं. These are called intra-firm transaction because these are the transactions taking place within one firm only. तो आपका assertion भी सही होगा, reason भी सही होगा और reason आपके assertion का correct explanation होगा. फिर इसमें डीलिंग किस किस की होती है देखिए, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉयज, ये लोगों के साथ जब डीलिंग होती है, इसका मेन पर्पस होता है स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाना, काम को स्पीडली करना. आप सोचिए विनीत सर एक एक क्लास में आके इन्फॉर्मेशन देंगे, कितना डिले हो जाएगा. इसलिए उन्होंने सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, सब तक पहुंच गया, है ना. तो स्पीडली काम करने के लिए इंट्रा बी सुटेबल है. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि मार्केटिंग रिसर्च की बेसिस पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ चेंजेस करना चाहता है प्रोडक्ट पे. उसने सीधा प्रोडक्शन मैनेजर को फोटो सेंड की और उसको बताया कि भाई नेक्स्ट टाइम आउटपुट में ये चेंजेस करने हैं, तो आप अपने वर्कर से ये चेंजेस करवा लीजिएगा. क्लियर है? चलिए भाई आगे देखिए. अगेन दो बार लिखा हुआ है स्पीड को, तो स्पीड वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तभी दो बार लिखा है. क्या कह रहे हैं ये दोबारा आपको, ये बोल रहे हैं भाई फास्ट डिसीजन और स्पीड वर्क फ्लो के लिए इंट्रा बी कॉमर्स सुटेबल है. आजकल तो इंट्रा बी से एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन भी हो जाता है. और ये लास्ट वाला तो कितना ट्रू है, एम्प्लॉयज नीड नॉट टू कम टू ऑफिस, रादर ऑफिस गोज टू देम. आपको स्कूल तक आने की जरूरत नहीं पड़ रही है, स्कूल ही आप तक आ रहा है ना. बट स्कूल आप तक आ रहा है तो आपको उतने मजे नहीं आ रहे जितना आपको स्कूल तक आने में मजे आते थे. चलिए देखिए इंट्रा बी में क्या क्या आता है. इंट्रैक्शंस बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म, एक ही फर्म के दो डिपार्टमेंट इंट्रैक्शन कर रहे हैं. ऑर्डर्स देना या इंस्ट्रक्शंस देना सप्लाई को, कम्युनिकेशन करना, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बताना, जैसे अभी पावर कट की इन्फॉर्मेशन बताई गई थी. एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, और एम्प्लॉयज अपने मैनेजर को जब अपडेट देते हैं, ये सारा काम अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो ये पार्ट है इंट्रा बी का. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्या सबको लर्न हो गया है? इंट्रा बी में एमसीक्यूज आप कर पाएंगे? Show me a thumbs up if it's a yes. Very good. Okay, that's great. चलिए इस बॉक्स से भी दो तीन क्वेश्चन आएंगे. ये जो फाइव लाइन्स है इनमें से टू थ्री क्वेश्चन बन गए. नंबर वन, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में से किसका स्कोप वाइडर है? तो मैं फिलअप के फॉर्म में आपको दे सकती हूँ, डैश हैज अ वाइडर स्कोप. तो ई बिजनेस का स्कोप हमेशा वाइडर होता है, कॉमर्स तो बिजनेस का ही पार्ट है. उल्टी कहानी है, आप ये मत सोच लेना कि आपने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है तो कॉमर्स बड़ा है. नहीं, हमारा सब्जेक्ट बड़ा है, हमारे सब्जेक्ट की वजह से अकाउंटेंसी है, हमारे सब्जेक्ट की वजह से कॉमर्स है. तो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स. ई कॉमर्स तो इसका हिस्सा है, ठीक है. तो कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच और एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, इसी तरीके से ई कॉमर्स ई बिजनेस की ब्रांच है. तो पहला क्वेश्चन कौन वाइडर है, तो आपको याद रखना है ई बिजनेस वाइडर है. दूसरा क्वेश्चन ये कि ई कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस, फिलअप दे सकते हैं. डैश इज अ ब्रांच ऑफ डैश, तो आपको याद रखना है कॉमर्स इज अ पार्ट ब्रांच ऑफ बिजनेस, e-commerce is a branch of e-business. फिर commerce में तो सिर्फ distribution related काम आता है. आपको पूछ सकते हैं e-commerce includes, और फिर अलग अलग options दे सकते हैं, तो आपका सही answer होगा distribution of goods and services. e-commerce में सिर्फ goods and services का distribution आता है, whereas e-business includes all the activities. e-business में production, sales, distribution, marketing, intra firm, सब कुछ आ जाएगा, each and everything. तो बताइए क्या आप इन फाइव लाइंस के दो तीन क्वेश्चंस जो बन रहे हैं सारे कर पाएंगे? चलिए वेरी गुड. आंचल बेटा अभी क्लास ज्वाइन किया है क्या या पहले से थे? आंचल चौधरी मैम अभी ज्वाइन किया. ऐसा क्यों बेटा, लेट क्यों ज्वाइन किया? मैम क्लास तो 12:02 पे स्टार्ट होती है ना? नहीं बच्चा, हमारी क्लास 11:30 पे स्टार्ट होती है, ठीक है?
कितने बजे स्टार्ट होती है कल से ध्यान रखना। सॉरी मैम। नो इश्यूज बेटा, कल से मैंने सोचा इंग्लिश की क्लास है। अच्छा अच्छा ओके नो इश्यूज। चलिए देखिए, इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये बेनिफिट्स है ई कॉमर्स के, बेनिफिट्स ई बिजनेस के, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स। ई बिजनेस राउंड द क्लॉक वर्क करता है विदाउट एनी ज्योग्राफिकल लिमिट। बेनिफिट नंबर वन, इसको फॉर्म करना इजी है। अब इसके अंदर आपको अजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन दे सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म ई बिजनेस, क्यों इजी है ये भी आपको ध्यान रखना है। बिकॉज इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस वी ओनली नीड टू मेंटेन अ वेबसाइट, वी नीड नॉट टू मेंटेन अ शोरूम, है ना। हमें शॉप हायर करने की, शोरूम बनाने की कोई जरूरत नहीं। वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस इवन विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट। हो जाएगा सभी बच्चों से, वेबसाइट पे कौन सा बिजनेस होता है? ई बिजनेस। फास्ट कौन सा है? ई बिजनेस। घर बैठे बैठे लोअर टी शर्ट में, निकर और टी शर्ट में शॉपिंग कौन से बिजनेस में हो जाती है? ई बिजनेस में, है ना। बिना नहाए बिना रेडी हुए क्लास कब ले पाते हैं? जब ऑनलाइन क्लास चल रही होती है। बिना बाल बनाए बैठ सकते हैं, फिर मैम वीडियो ऑन करने को कहती है तो डिले कर सकते हैं, राइट। तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है हमारे लिए ई बिजनेस करना, इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ाई करना और इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग भी करना। चलिए भाई, स्पीड, स्पीडली काम हो जाता है। पहले मैं क्वेश्चन आंसर्स लिखवाती थी क्लास में, अब क्वेश्चन सेंड करती हूँ, बच्चे अपने अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वो नहीं लिखना है, यहाँ तो हमने लिखना है बाइंग और सेलिंग बहुत ईजी है। सबसे ज्यादा ईजी किसकी है? सॉफ्टवेयर्स की, म्यूजिक की, बुक्स की, मूवीज की, ठीक है। इवन इलेक्ट्रॉनिकली फंड भी ट्रांसफर हो सकता है। फिर ज्योग्राफिकली कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ज्योग्राफिकल एरिया क्रॉस करके, बॉर्डर्स क्रॉस करके सेलिंग कर सकते हो। कॉस्ट सेविंग क्यों है? क्योंकि शोरूम की जरूरत नहीं है। जब भी आपको पूछे कॉस्ट सेविंग क्यों है, दो रीजन है, शोरूम की जरूरत नहीं है और मिडल मैन नहीं चाहिए। नो मिडल मैन एंड नो शोरूम, इसलिए कॉस्ट सेविंग है और इसकी वजह से हम रेड टैपिज्मो और पेपर वर्क से फ्री हो पाए हैं। हो जाएगा सभी बच्चों से, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस कल पढ़ा था, ये आसान सा है, सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। बस आपको तो अगर रिटन पेपर होता तो मैं कहती ये सारे बेसिस याद रख लो, अब तो बेसिस भी याद रखने की जरूरत नहीं है। दो तीन पॉइंट डिफरेंट है, एक तो आपका रिस्क इन्वॉल्व थोड़ा सा डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफरेंट है और लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, बाकी तो सारे इजी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस को चलाने के एक्सपेंस, बिजनेस को रन करने के एक्सपेंस। तो बस ये सारे पॉइंट्स आप आराम से कर पाएंगे। आपका आज का टास्क होना चाहिए कि आपको ये चैप्टर हार्ड टू हार्ड, मैं आपको बता रही हूँ, हार्डली 30 मिनट्स देने। अगर आपने ईमानदारी से 30 मिनट्स दे दिए, ट्रस्ट मी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रजिस्टर में क्या क्या करना है? मीनिंग लिखना है ई बिजनेस का, फिर बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी और वो जो चारों ब्रांच है उन सब में क्या क्या आता है, उनका मीनिंग और उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो लिखना है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस का डिफरेंस लिखना है। अपॉर्चुनिटीज की हेडिंग लिखनी है और ये डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, ठीक है। हो जाएगा सभी बच्चों से? कोई किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन एनी डाउट्स? नो? ऑल राइट देन, ओवर करते हैं आज की क्लास यहीं पे। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा और आई एक्सपेक्ट कि आप सभी ये लर्न कर लेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, आज एनी हाउ चैप्टर 5 को लॉक करके रख दीजिएगा साइड में, होमवर्क भी लॉक कर दीजिएगा इसका और लर्निंग भी लॉक कर दीजिएगा। कल स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू टुमॉरो।